नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप, एक फार्मासिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड बैसिलस के बारे में। और इस वीडियो में देखेंगे पूरी फुल डिटेल्स लैक्टिक एसिड बैसिलस के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड बैसिलस के डोजेज फॉर्म, ब्रांड नेम्स, यूजेज, डोज क्या है, और फिर साइड इफेक्ट क्या है, और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड बैसिलस जो है वो है क्या। तो लैक्टिक एसिड बैसिलस जो है वो प्रोबायोटिक मेडिसिन है, जो कि टैबलेट और पाउडर के फॉर्म में आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। अब इसके आगे हम मैं आपको बता दूं कि प्रोबायोटिक्स जो होता है वो प्रोबायोटिक्स है क्या। तो प्रोबायोटिक्स में जो ईस्ट आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म क्या क्या है लैक्टिक एसिड बैसिलस के, ये देख लेते हैं। तो डोजेज फॉर्म इसके मेनली आपको टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएगा ये, और फिर आपको ये एक सैचेट पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो दो इसके मेनली सबसे पॉपुलर डोजेज फॉर्म है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके आगे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे स्पैरोलैक, टीकोफ्यो, फ्लोरा एल, और लैक्टिक एसिड बैसिलस जो इसका जेनरिक नेम है, ये अपने जेनरिक नेम से भी आपको केमिस्ट के शॉप पे इजीली मिल सकता है। और ये जो है लैक्टिक एसिड बैसिलस जो है ओवर द काउंटर भी आप इसे ले सकते हैं, मतलब आप खुद से जा कर के इसको मेडिसिन शॉप से आप खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस्तेमाल करने से पहले अगर आप डॉक्टर से एक बार मिल ले और उनसे कुछ अगर आप डिस्कस कर ले उसके बाद यूज़ करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके आगे अब हम बात करते हैं किस स्ट्रेंथ में ये आपको मिल जाएगा। तो ये मेनली दो स्ट्रेंथ में मिलेगा, एक 60 मिलियन स्पोर्स और दूसरा 120 मिलियन स्पोर्स। ये जो आता है वो मिलियंस में आता है। तो ये इसके दो डोजेस फॉर्म हो गए। इसके आगे अब हम देखते हैं यूज़ क्या है इसके। तो इसके जो यूज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डायरिया, मतलब दस्त में जो रोकने के लिए कोई भी अलग से मेडिसिन चलती है, तो उसके साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस चलता ही चलता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इसमें बहुत ही अच्छा अपना एक रोल प्ले करता है आपके डायरिया को रोकने के लिए और उसको सही करने के लिए। अब इसके आगे दूसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रम। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके इंटेस्टाइन में सूजन हो जाता है, मतलब आंत में सूजन हो जाता है, और इसके अलावा आपके पेट में दर्द रहता है, और फिर मोशन जो होता है वो मोशन का टाइम आपका फिक्स नहीं रहता है, बार बार आपको मोशन आता है, मतलब बार बार आपको दस्त लगेगा। इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा लैक्टिक एसिड बैसिलस का भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, और साथ में और भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा और है इन्फ्लामेशन जो हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, अल्सर में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें मुँह में आपके छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर, इसमें आपके मुँह में छाले हो जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक के साथ इसे भी दिया जाता है। अब इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज़ होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस का यूज़ होता है, वो कम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स के साथ, विटामिन्स के साथ यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं आपके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दिखा दे रहा हूँ, जैसे एमोक्सिसिलिन के साथ इसको यूज़ किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन के साथ इसको यूज किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ, फिर सिफेक्सिम के साथ। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक जिसमें आपको इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एंटीबायोटिक बताया जिसके साथ इसे कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, जिससे और भी बेहतर रिजल्ट निकलता है, और बहुत ही सही तरीके से ये जो भी डिजीज़ है उसको सही करने में, क्योर करने में आपका हेल्प करता है। अब इसके आगे अब हम देख लेते हैं डोजेज क्या है, डोज इसके लिए। तो यहाँ पे जो है डोज वो चेंज होते रहता है बॉडी वेट और एज के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे एडल्ट डोज जो है हम बात कर लेते हैं। तो एडल्ट डोज जो है मेनली आपको एक से दो बार दिया जाता है पूरे दिन में, एक सुबह में और एक शाम में। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे इस डोज को बढ़ा करके दो से तीन बार किया जाता है, और इसको कभी भी लेने से पहले आप, मतलब खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसके आगे बात करते हैं चाइल्ड के लिए क्या डोज है इसका। तो चाइल्ड के लिए सैचेट जो आता है, पाउडर आता है, उसको आपको पानी में मिक्स करना है, उसको घोल देना है अच्छे तरीके से, और फिर चाइल्ड को आपको पिला देना है, जिससे उसे जो भी डिजीज़ हुई है उससे उसे छुटकारा मिल सके, उसको वो जल्दी से सही कर दे। अब ये हुआ यहाँ पे डोज के बारे में। अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या लैक्टिक एसिड बैसिलस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि लैक्टिक एसिड बैसिलस जो है उसका जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर
कभी होता है तो वह इसके जो प्रिवेंटेशन जिसके लिए इसको यूज़ किया जाता है वहीं इसका साइड इफेक्ट्स हो जाता है। जैसे उसमें क्या होता है, डायरिया हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको बार बार दस्त होने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो आप तुरंत मेडिसिन को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से मिले और उन्हें बताएं ताकि वहाँ पे आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिल सके इजीली। अब इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोई ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं दिया जाता है, उनके लिए ये जो मेडिसिन है वो सूटेबल नहीं है। और ये क्या होता है, कभी कभी देखा गया है कि जो मेडिसिन ये जो लैक्टिक एसिड बेसिलस जो मेडिसिन है वो क्या होता है मिल्क के साथ बच्चे तक पहुँच जाता है, तो ये बच्चे और मदर दोनों के लिए क्या होता है कि हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी अगर और कभी भी आप ये प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको आप दे रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो सब आप इसको देने से पहले आप एक बार डॉक्टर से मिले। अब ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तभी डॉक्टर इस मेडिसिन को देते हैं इन्हें, नहीं तो इनको नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया पूरी कंप्लीट डिटेल्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।